अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बिल्कुल ठीक ठाक, फटाफट फिट फाट। आज का व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, वो वैसे मैंने अभी ख़त्म करके अपलोड की है और अगला साथ ही शुरू कर दिया। अभी आपका भाई निकल है बाहर। सबसे पहले तो यार ईद की तैयारियाँ इस टाइम अगर मैं कर लूँ तो बहुत ठीक है, क्योंकि रात को दोस्तों ने कहना कि बैठना है और बैठा जाना नहीं है, मतलब और कुछ होना नहीं है वहाँ पर। उनको भी अब दोस्तों की गैदरिंग भी बंदा छोड़ नहीं सकता, चांद रात तो बड़ी स्पेशल गैदरिंग होती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मेरे काम है वो मैं रात होने से पहले पहले कंप्लीट कर लूँ, टाइम भी गुजर जाएगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कल ईद है तो वीआईपी वीडियोस आप लोगों के लिए आ सके। उसके बाद अभी मैं चलता हूँ। सबसे पहले तो यार हमारा जग्गू जो है उसका खास ख्याल करना है, ईद पर उसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम है, तो ज़रा उसको पहले ले कर चलते हैं। पहली दफ़ा जग्गू का ज़िंदगी में रिजर्व लगा, मैं फ्यूल एवरेज चेक करने के चक्करों में ना कितनी, तो उसको एवरेज उसको मैंने रिजर्व लगवा दिया है। जब उसको रिजर्व लगा हुआ है तो उसको जाके सबसे पहले तो उसको रीफ्यूलिंग उसकी करवाते हैं। जिस तरह मैं अगर खत करवाना है, ज़रा पूछता जाऊँ उससे कि वो क्या कहता है, अगर तो अभी कहता तो फिर अभी करवा लो। तुम सानू इदा कहोगे पक्की गल मैं पेट्रोल पाउ चला, पेट्रोल पवा के आया तो बस। जग्गू की सुई बिल्कुल नीचे लग गई है, जग्गू की सुई अभी इसको ऊपर करवाते हैं जाकर। हाय 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 हाय, पंप पे आ गया हूँ। हाय ऑक्टेन पाओ जी। A few moments later. आपका भाई तो यो माहौल हो गया, आ गया अजानों की आवाज आपको आ रही होगी। अल्लाह हाफिज रमजान, आखिरी रोजा खुल गया है। आप सबको शवाल का चांद मुबारक हो और पहली शवाल मुबारक हो। अब मैं भी जरा जल्दी जल्दी अफ्तारी कर लूँ। अफ्तारी करने के बाद मैं निकलूँ और निकल के वहाँ पे लूडो वगैरह दोस्तों ने खेली है। लूडो खेलने के बाद भूख लगी थी। मैं, मेरे साथ जुनेद है, साथ है नवी। अब तुम लोग देखोगे तो तुम्हें टेंशन नहीं होगी। रमज़ान में ना मेरा व्लॉग आता है 4-5 बजे। मैं नवाला ऐसे ना, मतलब खाना खा ही रहे होते, जाहिर सी बात है खाना ऐसे जिस वक्त करता हूँ ना उस वक्त मुझे गालियाँ निकालता है, कहता उस टाइम रोज़ा लग रहा होता जिस टाइम तू खाना खा रहे हो। अब तो तुम देखोगे भी तो तुम खा सकते हो। अब तो शवाल शुरू हो गया, आप सबको भी शवाल का चांद बहुत मुबारक हो। तू बस खाना चना आता, खाना खा पी। आज तो हमने कमाल कर दिया, पर ग्रेवी वाली हमने कसम छोड़ी कोई। खाना हमारा आ गया, कबाब फ्राई हमारे, एक अजी भाई जिस तरह का भी है कबाब फ्राई लाओ। है क्या कहने लगा, उनको काम सिखाएगा यार। इसके अंदर थोड़ी सी तली डाल के ना, ये सूखा तो पुछवा सालन बन गया यार। तो क्यों नहीं बाज आता जी नहीं यार। मम्मी वैसे अज ही तेरा फार्मूला कामयाब हो गया यार, सालन ही तार डबल हो गया। डबल नहीं, डबल भी हो गया। सालन की रोना की तरी। ये बात ही ठीक है ना, मम्मी साहब पाओ बिस्मिल्लाह के बीच में ही नहीं सीधा ही कर दें शुरू। असी मुसलमान असी नहीं खा सकते हैं भैया। नहीं बेच ही खाना, मैं बेची बिस्मिल्लाह खा लेते हैं यार। तो कुछ पकड़ी है बिस्मिल्लाह पढ़ो यार। और ये नमाला फॉर नुमान राजपूत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबाब लगा के साथ वही बड़े गर्म है रायते है एंड द नेक्स्ट डे। सुबह हो चुकी है, सुबह क्या बिल्कुल अभी सुबह सुबह का टाइम है। मैं आपको सीन दिखाने के लिए स्पेशल ऊपर आया हूँ। अल्लाह पाक का तोहफा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ईद वाले दिन। वेदर चेक करें, बारिश अभी भी हो रही है मुसलसल और ये सीन है, सुबह से जो है वो बारिश चल रही है। ओए अभी भी मैं बारिश में ही खड़ा हूँ, बारिश हो रही है साथ साथ।
तो मैंने कहा मैं आपको एक जगह दिखाऊं। ठंडा वेदर हुआ है और ईद पे माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत है। अब बस टाइम हो रहा है तो आगे करता हूँ आपको। मैं कहा पहले ये सीन चेक करवा दूँ। इंतहाई खूबसूरत, जितने दिन बारिश पड़ी है इतना खूबसूरत वेदर एक दिन भी नहीं हुआ जितना आज है। और ठंडी हवा और हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही, बारिश में ही खड़ा है आपका भाई। मैं उठा था तो मैंने कहा मैं आपको ये सीन लाजमी दिखाऊँ, ये वीडियो पे जो है रिकॉर्ड करने वाला सीन है।